Assalamualaikum. आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है बेसिक टर्म्स टर्म्स कुछ उनमें कंफ्यूज हो जाती है या तो वो इतनी रिलेटेड होती हैं या फिर उनके अंदर ना डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा तो ऐसी टर्म्स आज हम बेसिक टर्म्स को वन बाई वन स्टडी करेंगे और उनके कम्पेरिजन भी करेंगे एक दूसरे से देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनालाइज वर्स डिटरमाइन एनालाइज़ जो होता है या एनालिसिस जो होता है वो सैंपल का होता है सैंपल को एनालाइज़ किया जाता है और उसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है उसके कंपोनेंट्स को फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टैप वाटर के सैंपल में हमने मैर करना है मालूम करना है कैल्शियम तो जो एनालिसिस हम करेंगे वो हम वाटर सैंपल का करेंगे जबकि हम डिटरमाइन जो उसमें करेंगे वो होगा हमारे पास कैल्सियम तो जो न, component, जो कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल होते हैं उन जो हमने डिटरमाइन करने होते हैं उनको हम बोलते हैं एनालाइड्स तो द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड एज डिटरमिनेशन ऑलवेज रिमेंबर एनालिसिस इज फॉर सैंपल एंड डिटरमिनेशन इज ऑफ कंपोन बैंपल फॉर इट्स कलोराइड कंटेंट जो ब्लड सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं किस uh, के लिए उसके कलोराइड कंटेंट के लिए हम एनालाइज किस को कर रहे हैं ब्लड सैंपल को जबकि हम डिटरमाइन उसमें कर रहे हैं कलोराइड हम क्लोराइड को एनालाइज नहीं करेंगे क्लोराइड को हम डिटरमाइन करेंगे क्लोराइड की कंसंट्रेशन को बाय एनालिसिस ऑफ ब्लड सैंपल देन देयर आर टू स्टेटमेंट्स एनालिसिस ऑफ क्लोराइड वाज डन इन अ ब्लड सैंपल दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ ए सैंपल इज डन नॉट एनालिसिस ऑफ क्लोराइड क्लोराइड की डिटरमिनेशन होगी यहां पे और ब्लड सैंपल का एनालिसिस होता है इन सेकंड टर्म को देखें सेकंड स्टेटमेंट इन एनालिसिस ऑफ ए ब्लड सैंपल डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड वाज डन दिस इज अ राइट स्टेटमेंट सो आई होप द टर्म्स एनालाइज एंड डिटरमाइन आपको क्लियर हो गई होंगी थैंक यू वेरी मच अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं थैंक यू